बैठकर शिवलिंग का निर्माण कर रही हैं, पहला जलाशय के पास, दूसरा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, और तीसरा गुफा के अंदर प्रवेश करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही हैं। पार्थिव शिवलिंग का बनाओ आप भी, एक प्रयास करिएगा। आपने कभी अगर मौका लगे और भगवान आपको अगर बहुत कृपा करा हुआ हो, आपके घर में अगर बहुत बाबा की अगर कृपा हो और आंगन में बेलपत्री का वृक्ष हो, तो प्रयास करना कि उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे द्वादश ज्योतिर्लिंग का निर्माण एक बार पार्थिव मिट्टी से अवश्य करें। द्वादश ज्योतिर्लिंग, एक थाली में 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर एक ब्राह्मण देवता को एक बुलाओ, दो ब्राह्मण देवता बुलाओ, 5 बुलाओ, 7 बुलाओ, 11 बुलाओ, 21 बुलाओ, आपके ऊपर, ये आपके ऊपर, किसी विद्वत ब्राह्मण जन को बुलाकर जिसके हृदय में शिव समाया हुआ हो, जिसके कंठ पर मां सरस्वती, माता सरस्वती शंकर की कृपा से विराजमान हो, ऐसे कोई ब्राह्मण को बुलाकर, कोई भूदेव को बुलाकर 12 ज्योतिर्लिंग बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसका निर्माण कर उसका पूजन अभिषेक अपने परिवार के साथ में मिलकर बाबा का कर अगर कभी मौका लग जाए और बाबा अगर ऐसा कृपा करे, जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजन होती है, इधर होती कि नहीं होती है, छत्तीसगढ़ में होती है, सत्यनारायण की कथा होती है, केले के खंभ लगाए जाते हैं, आंगन में करी जाती है, ढोल मंजीरा बजाया जाता है, खूब आराम से पंडित जी आकर कथा बाजते हैं, सत्यनारायण भगवान का अनुष्ठान, उसी तरह से मणि शिवलिंग शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने आंगन में अगर बेलपत्र का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर ब्राह्मण देव को बुलाकर अभिषेक पूजन का अनुष्ठान कर फिर बाबा का स्मरण कर बड़े आनंद के साथ शाम के समय उस ज्योतिर्लिंग का, फिर जो 12 बनाए हैं उसका विसर्जन भाव के साथ में, आनंद के साथ में बन सके, ब्राह्मण आदि संत गुरुजन बड़े बुजुर्ग इनका श्रेष्ठ भोजन कराकर अपने घर में एक आनंद का अनुभूति करें। कहते हैं उससे हमारे घर में शिव तत्व की प्राप्ति होती है और बाबा की कृपा बनी रहती है। शिव तत्व की कितना ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण अगर अपने घर में बेलपत्र का वृक्ष है तो अवश्य करें। आपको मौका मिला है महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने में, साल भर में, और बाबा से ऐसा प्रार्थना भी करें कि बाबा ऐसी कृपा करना, मैंने जो मांगा अगर वो पूरा होता है तो मैं 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर पूजन अवश्य करूं, ये तेरी कृपा बनी रहे, तेरी करुणा बनी रहे। करो, एक अविरल भक्ति के साथ, एक विश्वास और दृढ़ता के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।